लोकसभा चुनाव की आहट के बीच मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां पूरी हो गई हैं और मतदाता सूची मतदान केंद्र से लेकर लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां मध्य प्रदेश में पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने 3 साल से एक स्थान पर जमे अधिकारियों को हटाए जाने का प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को भेज दिया है। मंगलवार को चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई गई। 5 मार्च को कमलनाथ कैबिनेट की बैठक भी होनी है। माना तो यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले यह अंतिम कैबिनेट बैठक होगी। इसमें आबकारी नीति के अलावा कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे पर फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से अगले सप्ताह कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। 2014 में 6 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी और 3 दिन पहले ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ किया कि लोकसभा चुनाव समय पर ही होंगे। ऐसे संभावना जाहिर की जा रही है कि अगले सप्ताह कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। प्रदेश में जिस तरह से सरकार ने पिछले सप्ताह भर में ताबड़तोड़ तबादले किए उससे इसका यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हालांकि बताया जा रहा है कि सरकार ने अपने हिसाब से मैदानी जमावट का काम पूरा कर लिया है,